हवाओं के भरोसे मत उठ, चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ा करती हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आपका जो भी बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट है बनका आप आज जवाब देने की कोशिश करांगा। तो आज आप वीडियो लेके आए Q&A वीडियो। तो आप शुरुआत करना वीडियो की मोटिवेशन शायरी से, या शायरी में बताई चुके हूँ कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। चट्टान होती है वो तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, यानी कि अगर आपको लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ेगा चट्टान की तरह। अगर आपने कोई काम सोच लिया कि मेरे को ये काम करना है, तो आपको चट्टान की तरह अड़कर रहना पड़ेगा, तब बड़े बड़े तूफान भी आपके सामने रुक जाएंगे। अपने पंखों पर भरोसा रख, खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा कोई भी नहीं आएगा आपकी जगह पढ़ने के लिए, न कोई आपको पढ़ाने के लिए आएगा, खुद के ऊपर भरोसा रखो। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तो ये आपका हर काम होगा। हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ा करती हैं, और पानी के सारे तो सिर्फ लाशें तैरा करती हैं। ठीक है, तो चलो भाई का प्यारा प्यारा कमेंट के ऊपर आप चर्चा करांगा। सबसे पहली कमेंट, सर मेरा डेटा यूज हो गया था तो लाइव क्लास नहीं ले पाया, अब 12:41 पर डाटा मिला है, अब ले लेंगे क्लास 2 बजे तक। क्या बात है भाई, थैंक यू गुरुदेव। देखो कितना प्यारा प्यारा दिल दिया है। चलो भाई कितना प्यारा प्यारा दिल दिया है, तो एक दो दिल मैं भी दे दूं। ठीक है भाई, यानी 1, 2, 3 तीन दिल दिया है, तो अपा 2 दिल और देवगा। यानी क्या बड़ो, यानी जो कल लाइव क्लास ली थी बैंक के अंदर कमेंट आ रहे थो कि भाई का डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, BS किंग यानी काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ अपने साथ में, पढ़ाई करता रहो, कोई बात को नहीं, डाटा खत्म हो गया तो यानी का अपनो काम है पढ़नू, कोई बात को नहीं, अगर आप बाद में क्लास ले लो तो भी ठीक है। तो चलो भाई का, या तो पुराना स्टूडेंट है तो भाई खाते रहने का कमेंट ली थी, बढ़िया प्यार मिल्यो है, थैंक यू गुरुदेव। ओके भाई चलो ठीक है, अगली कमेंट लेते हैं। रोहित सर की शेरणी 14 वर्ष को, अच्छा नाइस क्लास सर जी, अच्छा उसी क्लास के ऊपर कमेंट आई थी, धन्यवाद भाई। देखो यानी के शेरणी होती है वो खुखार होती है, लेकिन देखो मतलब कितनी सुंदर आपने शेरणी है भैया। चलो भैया आपको इतना प्यार मिल तो रहे, तो आपने जो भी क्लास आप रीजनिंग की स्टार्ट कर दी है, आगे देखो और भी प्यारा प्यारा कमेंट आवांगा, ये तो सिर्फ 2-3 कमेंट है। सर राजस्थान जीके कितने मंथ में पूरा होगा, अगर आप राजस्थान जीके पूरा करना चाहते हो ना, जैसे आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर शुरू करो, राजस्थान ज्योग्राफी करो और राजस्थान हिस्ट्री करो, तो लगभग आपको कम से कम 3 महीने मिलने चाहिए भाई, यानी का 3 महीने के अंदर अपना पूरा राजस्थान जीके होगा। ठीक है, कम से कम 3 महीने तो चाहिए, लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका राजस्थान जीके होगा। अगर बाकी देखो अगर बता फास्ट भागा आना है तो उसका क्या 2 महीना में हो जाए, लेकिन बैंक के अंदर मजो को नहीं, तो आप राजस्थान जीके स्टार्ट करांगा कम से कम 3 महीना तो देखो आप लगावांगा। और हर एग्जाम के अंदर राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आता हो। ठीक है, राजस्थानी ने कमेंट किया है, आगे देखते हैं। ओम प्रकाश कह रहा है सर जी प्लीज आर्ट कल्चर की वीडियो अपलोड करो, अच्छा आर्ट एंड कल्चर की वीडियो अपलोड करो प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई कितना हाथ जोड़ दिया रे, है इतना मत जोड़े भाई का, ले यार तने खुश कर दिया ले। ठीक है, इतना हाथ मत जोड़ा करा गया गुरुजी, प्लीज प्लीज आर्ट एंड कल्चर का वीडियो शुरू कर देंगे। राजस्थान जीके के लिए बहुत सारे कमेंट आए, सर राजस्थान जीके स्टार्ट करो, तो ज्यादा समय को नहीं लगावा, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन, रीजनिंग की डेली क्लास स्टार्ट कर दी अगर उसका, तो राजस्थान जीके देखांगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम ही शुरू कर देंगा, तो बैंक खातरे ज्यादा समय को नहीं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन और मान के चलो। ठीक है, तो सारी डिटेल बता देंगे, राजस्थान जीके एकदम मस्ती शुरू करांगा, न्यू कोने का फटाफट करा दियो, हर टॉपिक ने आराम से लेके चलांगा, एक दिन लेट कराओ लेकिन राजस्थान जीके बहुत शानदार तरीके से शुरू कराऊंगा। ठीक है, तो चलो भाई का इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करी थी। अच्छा सर आपकी क्लास कितने बजे चलती है, क्लास भाई मेरी 9 बजे चल रहा है। ठीक है, डेली अपने 9 बजे क्लास होती है, किसकी होती है, रीजनिंग की। ठीक है, डेली लाइव आएगी रीजनिंग की 9 बजे क्लास, एक एक टॉपिक के ऊपर आप शानदार तरीके बात कराऊंगा, रीजनिंग का सारा टॉपिक क्लियर करावांगा, मैं के बाद में आप राजस्थान जीके भी स्टार्ट कराऊंगा, तो मैं खातर में कल राजस्थान जीके भी स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, अब जल्दी यानी कि डेली आपने 2 क्लास आए करेंगे लाइव, एक तो अपने राजस्थान जीके की आए करेगी, एक अपने रीजनिंग की आए करेगी। तो राजस्थान जीके खातर मैं कल वीडियो के अंदर पूछो भी तो भाई बताइयो कि राजस्थान जीके कै बजे स्टार्ट करा, भाई का सुबह कराँ या फिर रीजनिंग ने सुबह कराँ, तो बैंक ऊपर आपकी जो भी राय होगी मैं हिसाब से देख लेंगे, या तो आप राजस्थान जीके रात ने शुरू कर देंगे, रीजनिंग ने सुबह शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो आपने टाइम चेंज कराँगा जी, आपने बता देंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की आपने डेली यानी का 9 बजे क्लास होगी शाम में। अच्छा केडी झुंझुनू, आने वाले कुछ समय के बाद एक महान हस्ती के नाम से रोहित सर को जाना जाएगा, इस गुरु का नाम राजस्थान के हर युवा की जुबान पर होगा, क्या बात अभी 7 लाइक भी हैं, धन्यवाद भाई। देखो जो इतना प्यार मिल रहे है, मैं खातरे यही कहना चाहूंगा भाई का
यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्यार मिल रहे है अपने खातर, यानी कि छोड़ो ठीक है चलो पढ़ाना भी मजो आवे, बाकी एक महान हस्ती को नहीं मनो आप की एक जमीन से जुड़ेड़ा आदमी हाँ, बस कोशिश यही करा कि हर चीज अपने सरल करके पटावा के ठीक है बिका, अगर अपन सही मार्गदर्शन मिल जाओ ना तो इसी कोई बड़ी बात को नहीं कि आप सरकारी नौकरी को नहीं हासिल कर पावा। एक वही बात अगर कोई भी शुरुआत में स्टूडेंट जाओगे किताबा की दुकान पर तो बहन पतो कौन रहे बेका आप कौन सी किताब पढ़ा कौन सी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा कहने पूछ ले अगर कोई पढ़ेड़ो है लेकिन आजकल की राय से ही कौन देवा, राय ऐसी देवा तो वह किताब लेके आ जाएंगे अंदर बेका कोई किताब में गलती हो या कोई और भी इसी हो, मतलब अगर सही गाइडेंस मिल रहा है तो इसी कोई बड़ी बात को नहीं कहे नौकरी कौन लागे। कभी कभी आप ऐसा घर परिवार में देखा होगा एक परिवार में बड़ा सारा सदस्य सभी नौकरी लाग गया, क्यों? क्योंकि एक मार्गदर्शन होता है, पढ़ाई तो सब करते हैं, ऐसा कौन अभी आप में से जो 12 घंटे नहीं पढ़ता, सभी 12 घंटे पढ़ के तैयारी करते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो 12 घंटे पढ़ के नहीं, कोई लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखे हैं ठीक है, फिर यानी का बेका माँ बाप कहेगा मारे टाबरा की तो आंखियां पड़ेगी 12 घंटा पढ़ता पढ़ता फिर भी नौकरी कौन मिलने लग रही, नौकरी ज्यादा पढ़ाई से नहीं होगी, यानी कि पढ़ते रहो वह चीज पढ़ो ना जो अपना सिलेक्शन वाली हुआ है, हर चीज में अगर आप सही मार्गदर्शन करके चलांगा तो इसी कोई बड़ी बात को नहीं। बाकी चलो बेगा आपने इतना प्यार दियो मैं खातर धन्यवाद, जब YouTube शुरू किया था तब ये सोच के नहीं किया था कि आपका इतना प्यार मिलेगा क्या, तो बस चलो ज्यादा भावुक हो जाऊंगा मैं, चलो आगे कमेंट ले वहां, चलो बेगा धन्यवाद थैंक यू इतनी सी बात कहूंगा क्या। अच्छा सर राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री की क्लासेज लगाओ, चलो बेगा राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री की क्लासेज लगाओ, राजस्थान हिस्ट्री करवा दूंगा, पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे करवा रखी थी वापस स्टार्ट कराऊंगा राजस्थान हिस्ट्री की पूरी बहुत एकदम शानदार तरीके से शुरू कराऊंगा राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी ठीक है सारी शुरू कर देंगे, इंडियन हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा एक बार ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री अपने शुरू कर दूंगा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है जो अपने आधुनिक काल है, चलो भाई क्या शुरू कर देंगे क्लासेज भी लगा देंगे। अच्छा गुरु जी मैं आपकी लाइव क्लास नहीं देखता हूँ बाद में जरूर देखता हूँ, कोई बात नहीं आपको जब भी टाइम मिले तब देख लेना ठीक है, यानी कि भाई जब उसमें रीजनिंग की क्लास डाली थी उनको अभी भी देख रहे हैं तो यानी कि आपको जब भी मौका मिले तब देख लिया करो, कोई बात नहीं लाइव ना देखो बाद में देख लिया करो, आपको जिद मन कर जी देख लिया करो ठीक है भाई। अच्छा सर राजस्थान SI की भर्ती कब आएगी, राजस्थान SI की भर्ती की संभावना है अक्टूबर के अंदर 500 सीट के ऊपर वैकेंसी आएगी ठीक है, राजस्थान पुलिस की अगर अपन बात करें राजस्थान पुलिस की भर्ती आ जाएगी नेक्स्ट जनवरी फरवरी तक आ जाएगी राजस्थान पुलिस की भर्ती ठीक है, लगभग 7 से 8 हजार पदों के ऊपर बात चल रही है राजस्थान पुलिस की। अब देखो राजस्थान SI की भर्ती कब आएगी, राजस्थान SI की भर्ती तो आ जाएगी लेकिन अपने पास तैयारी है क्या, अपने ने तैयारी कर रखी है क्या, यानी कि राजस्थान SI की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको समय चाहिए 1 साल का ठीक है, कम से कम अगर 7-8 महीने डेली पढ़ोगे ना तब राजस्थान SI में सिलेक्शन होगा, बाकी भर्तियां तो खूब आई हैं, इससे पहले भर्ती नहीं आई थी क्या, राजस्थान पुलिस की इससे पहले भर्तियां नहीं आई थी क्या, खूब सारी भर्तियां आई हैं, भर्तियां तो आती रहेंगी लेकिन अपने को तैयारी करनी है, भर्तियां आएंगी चली जाएंगी अपन लाग्या को नहीं, सबसे बड़ी बात है अपन तैयारी करनी है, तो यानी कि ये नहीं देखना कि सर भर्ती कब आएगी, अगर आप तैयारी करने ला रहे हो राजस्थान पुलिस की तैयारी करो तो आज से ही तैयारी में जुट जाओ, SI की तैयारी करने ला रहे हो ये मत पूछो कि भर्ती कब आएगी, जिस दिन भर्ती आ गई सपोज करो आज भर्ती आ गई आपकी तैयारी है क्या, अगर आपकी 100% तैयारी हाँ गुरु जी पेपर फाइट कर दूंगा तब तो ठीक है, बाकी मेरे को लगता नहीं कि तैयारी है क्या, क्योंकि जो तैयारी करता है ना उसको यही लगता है यार कि 2 महीना बाद में एग्जाम हुआ है, मैं भी इतना ही देखता अगर राजस्थान SI कोई एग्जाम कब आओ, लेकिन जित घोषणा होगी डेट की तो एकदम धड़कन बहुत तेज बढ़ गया यार कह ये लोग घोषणा ही कर दी इतनी तावड़ी, तो भर्तियां तो आती रहेंगी बस अपने को तैयारी करते रहना है। अच्छा अमित क्या कह रहे है, जिसके पेपर पास करने के बाद मेडिकल के लिए कैसे बुलाया जाता है, अच्छा शायद ये पूछ रहे भाई का पेपर पास करने के बाद में मेडिकल के लिए कैसे बुलाया जाता है, तो जब मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था फाइनल मेरिट में तो मेरे पास रात को कॉल आया था 9:30 बजे ठीक है, रात की बात है लगभग 9:30-8:30 की बात है ठीक है, रात को लगभग 8 बजे फोन आया था मेरे से ठीक है, फोन करके बताया था भाई क्या हाँ रोहित कुमार बोल रहे हैं, हाँ मैं गुरु जी रोहित कुमार ही बोल रहा हूँ क्या, बोले कभी का आप इतनी तारीख को आपका राजस्थान पुलिस का मेडिकल होगा तो आपको फोन करके बुलाएंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग करने के बाद भी फोन करके बुलाएंगे, अगर किसी भी प्रकार से आपको फोन नहीं किया जाएगा तो भी यानी कि साइट के ऊपर आपको हर चीज अपलोड कर दी जाएगी, यानी मैं खुद ही बता दूंगा भाई का यानी कि मेडिकल शुरू हो चुका है, लेकिन मेडिकल के लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, वो खुद ही फोन करके बुला लेंगे आपको ठीक है, और सारी बात बता देंगे भाई आपको इतनी तारीख को मेडिकल है आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, तो मेडिकल के लिए आप घबराओ मत, मेरे पास भी फोन आया था मेडिकल के लिए। अच्छा
भाई अबूत अच्छा गाइडनेस और पढ़ाते हो, आपका चैनल टॉप में आने पर औरों की तरह आप बदल तो नहीं जाओगे ना, प्लीज बताओ। अरे यार इतनो दुखी चेहरो, थोड़ी सी स्माइल कर ले यार, इतनो या देख इतनो मतलब आनंद लगोने कोशिश करा भाई, मतलब उदास क्यों हो रहे हो, न्यू बता के कौन नहीं बदला और बता, आप जिसा बिसा ही रहा तू कहोगे तो भाई क्या इतना उदास वाली मुझे मत भेजा करके सर, आपका चैनल टॉप में आने पर औरों की तरह बदल तो नहीं जाओगे, और कतरा बदल जाओ आपा कौन पतो, लेकिन आपा कौन बदला, ठीक है आपा हाँ बिसाई रहा आके। अच्छा थैंक यू सर, मैं शुरू से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इस तरह की ही क्लास की आवश्यकता है, लव यू सर। चलो भाई क्या दिल तो चलो ठीक है, कोई बात को नहीं, ये दिल भी ठीक है, ये दिल भी ठीक है, ये भाई बीच के अंदर पता नहीं एकदम दिल कमाई ने तीरी लगा रखी होगा। चलो ठीक है, यानी आप डेली क्लास ले आऊंगा, शायद रीजनिंग की क्लास को ऊपर कमेंट ऐड हो 3 डेज को, यानी और कोई क्लास को प्रोस का, लेकिन चलो जो भी आप क्लास अपने कंटिन्यू हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है क्लास की आपने कोई भी दिक्कत को नहीं आए। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैथ की क्लास लगा दो सर जी, फेरू देखो उदास जी ना क्यों उदास नहीं, हाँ ये देखो आथा जोड़ी करण ला रहे हैं भाई क्या आथा, ठीक है सोनिया। अच्छा आगे लड़की को चित्र है फिर, मतलब मैं बाद में देखियो अच्छा लड़की है कि सोनिया राजस्थानी। चलो भाई ठीक है सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैथ की क्लास लगाओ, रीजनिंग की क्लास चलने लग रही है, राजस्थान जीके की क्लास शुरू कर देंगे, बाकी सारी क्लास शुरू कर देंगे, यानी मैं तो देखो मैथ की क्लास अभी को नहीं ले पाऊंगा, बाकी और भी अपने गुरु हैं बड़े सापा मैथ की क्लास शुरू करवा दूंगा, बहुत ही शानदार अपने टीम है बैगन करवा देंगा, जो अपने गुरु जी पढ़ाता होगा कोई कोचिंग में बड़े से शुरू करवा देंगे, ठीक है तो अपने मैथ की क्लास शुरू करा देंगे, अपने उदास होने की कोई जरूरत को नहीं है। अच्छा सर प्लीज मैथ्स कराओ वनपाल के लिए, यही वापिस कमेंट आ गया अभी, ऑनलाइन एजुकेशन का कमेंट आया है कि मैथ की क्लास कराओ वनपाल के लिए, चलो मैथ लगवा देंगे, बाकी वनपाल वन रक्षक का पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है वनपाल वन रक्षक का पूरा सिलेबस कराएंगे, छोटो सो सिलेबस है और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बहुत ही शानदार मौको है वन रक्षक लागण को, लगभग 2500 पोस्ट है, राजस्थान पुलिस की आधी पोस्ट है, लेकिन बहुत शानदार मौको है, अगर आप आगे तैयारी करोगा तो बैंक के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा गुरु जी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की बुक लिस्ट बताओ सर प्लीज, अब देखो भाई राजस्थान ऐसा ही कि अगर बुक लिस्ट की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, ये बात सही है, जैसे इंडिया जीके के लिए आप लूसेंट ले आना, लेकिन चलो यार इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारी कमेंट आ रही है ऐसा है कि बुक लिस्ट के ऊपर, चलो ठीक है मैं वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है ऐसा है कि बुक खातर, यानी कि अब तो आपने डिजिटल बोर्ड आई हो, एक एक आप फोटो दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर या किताब लेके आ जाइयो। आगे देखा कि कमेंट है प्यारो सो सर एसटीसी के एग्जाम से पहले रीजनिंग कंप्लीट करवा दो, देव सर सर कह रहे हो भाई क्या एसटीसी के एग्जाम से पहले रीजनिंग कंप्लीट करवा दो, रीजनिंग एसटीसी को एग्जाम है जुलाई के अंदर है और इतनी तावड़ी रीजनिंग होगी कोन्या, क्योंकि हालांकि मैं फटाफट करा सकूं एसटीसी का एग्जाम खातर है, लेकिन फिर वही हो जाएगी कई टावर ऐसा भी जुड़े हैं जो जीरो लेवल से तैयारी करूँ सोचा मैं भाई क्या एकदम शुरुआत से रीजनिंग चाहवा, फिर आप अब यानी कि रीजनिंग को आप एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा मैं के बाद में 3-4 दिन लगभग 3-4 दिन है वह टॉपिक से संबंधित जो भी आपने क्वेश्चन पूछा गया अपने को ऊपर अपन चर्चा कराऊंगा, अगले दिन आपका जो भी कमेंट है कि सर मेरे यो सवाल समझ में को नहीं आयो ते मैंने बताओ तो मैं वो सवाल हल करके बता दूंगा, तो अपन धीरे धीरे चलांगे, लगभग देखो 40 से 50 दिन तो लगेगा एसटीसी का एग्जाम खातर तो अभी कंप्लीट कौन करा पाऊंगा। अच्छा सर पीटीटी की परीक्षा है 3 जुलाई को, 150 नंबर की रीजनिंग आती है, क्या बात है, इसलिए 7-8 दिन बचे हैं, प्रत्येक दिन क्लास रीजनिंग की लगाओ प्लीज, प्रिंस कह रहे हो भाई का प्रत्येक दिन रीजनिंग की क्लास लगाओ भाई, दिल देनो पड़ेगा यार तने, ठीक है क्योंकि तय भी दिल भेजो तो एक दिल तो देनो पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि 150 नंबर की रीजनिंग आवा है, रीजनिंग तो राजस्थान के हर एग्जाम में आती है, राजस्थान के नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, तो आप इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करने ला रहे हो या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो रीजनिंग तो 100% आओगी, ठीक है। अब बात यह बच्चे के 7-8 दिन बच्चे हैं तो 7-8 दिन के अंदर आप रीजनिंग को नहीं कम्प्लीट करा पाओ, हालांकि आप आगे के एग्जाम खातर आप तैयारी कर सको, लेकिन 7-8 दिन में आप रीजनिंग कंप्लीट करा भी देंगे तो एकदम फटाफट वाली सी बात हो जाएगी, तो मैं खातर आप मस्ती चलांगा थोड़ी आराम से, हालांकि जितना टॉपिक कवर होने लग रहे हैं वह थोड़ा देख लिया करो, ठीक है क्योंकि चलो बढ़िया बढ़िया टॉपिक आप साथ साथ में करा देगा। अच्छा भाई क्या कहना लग रहे हो भाई सर रीजनिंग के जो मोस्ट टॉपिक है वो करवा दो ताकि एसटीसी या पीटीटी के लिए काम आ जाए प्लीज, चलो भाई ठीक है, जन से ज्यादा सवाल पूछे जाओ एग्जाम का महीना वह मैं करवा दूंगा, ठीक है यानी एसटीसी पीटीटी में जो भी आपने रीजनिंग से ज्यादा सवाल पूछे जाओ वह मैं हल करवा दूंगा। तो ये आपकी बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट थी, और भी अगर आपकी कोई कमेंट हुआ है तो आप हर संडे ने
ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਅਗਸਤ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਭੀ ਕਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਪਤਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸਪਤਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬਾਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਿਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ठीक है दोस्तों और आगे बाकी मन लगा कि पढ़ाई करता रहो अपनी क्लासा डेली चलती रहेंगी ठीक है दोस्तों धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय भारत।